वेलकम टू सीए गुरुजी चैनल। मैं हूँ पूजा और आज आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें आपके साथ शेयर करूंगी 5 अपकमिंग ड्यू डेट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उन ड्यू डेट्स पे आपको 9 इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। अगर आप उन्हें भूल गए तो हैवी पेनल्टीज या लेट फी आपको बियर करनी पड़ेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है GST के भी और इनकम टैक्स के भी। तो जुड़े रहेगा इस वीडियो के एंड तक सभी डेट्स को जानने के लिए, और इतनी रेलिवेंट वीडियो है इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और भी लोगों को अवेयर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत ही रिलीवेंट है ये वीडियो क्योंकि आप देख सकते हैं ड्यू डेट्स कितनी है 5 और इंपॉर्टेंट टास्क कितने हैं 9। तो आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगी ड्यू डेट्स और उस पे होने वाले काम आपके साथ शेयर करने के साथ ही बताऊंगी कि वो काम इंपॉर्टेंट क्यों है। इसीलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड वाला काम सबसे ज्यादा रिलीवेंट है। और वन बाय वन आपके साथ यहाँ डेट्स डिस्कस कर रही हूँ, शुरू कर रही हूँ। सबसे पहली डेट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है 11th जुलाई 2019। 11 जुलाई को अगर आपने मंथली GSTR1 ऑप्ट की है तो वो आपको फाइल करनी है। अब आपके माइंड में होगा कि GSTR1 मंथली तो हम फाइल करते ही हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो मैं आपको यहां बताती हूं कि GSTR1 जो आप जुलाई में जून मंथ की फाइल करेंगे उससे पहले आप क्या करिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का रिकंसिलेशन करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं अपनी जून वाली GSTR1 में। आगे भी कर पाएंगे, अगर अभी से स्टार्ट कर देंगे तो आपकी गलतियां जल्दी से रेक्टिफाई हो जाएंगी। तो अपनी जून मंथ की GSTR1 को फाइल करेगा 11 जुलाई को। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि पिछले साल की गलतियां ठीक करने का आपके पास मौका है, वो आप उन्हें ठीक कर लीजिएगा, अपना रिकंसिलेशन जरूर कर लीजिएगा। रिकंसिलेशन कैसे करना है उसकी वीडियो को मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया है, इस पे क्लिक करके देख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्यू डेट। नेक्स्ट ड्यू डेट रहेगी 20th जुलाई 2019। 20th जुलाई को आपको हर महीने GST पे करने के साथ साथ GSTR3 भी फाइल करनी होती है। यहाँ पे मैं आपको GSTR3B इतनी इंपॉर्टेंट टास्क में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जून वाली GSTR3B आप फाइल करेंगे 20 जुलाई को, उसमें एक तो एक चेंज हुआ है। आप सभी को याद होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का नया रूल आया था सेट ऑफ का, जो अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ था पर अब वो एप्लीकेबल हो गया है। तो आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ करते हुए उस नए रूल का ध्यान रखना है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 18-19 की जो गलतियां आपने की है वो अगर GSTR3B से रिलेटेड है तो उन्हें भी आप रेक्टिफाई कर पाएंगे जून की GSTR3B में। तो मेक श्योर आप इन दोनों डेट्स पे पहले रिकंसिलेशन कर ले और फिर फाइनेंशियल ईयर 18-19 की गलतियां भी ठीक कर ले, साथ ही जो आपकी जून का डेटा है उसे भी केयरफुली ऐड कर ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्यू डेट की तरफ जो है 31st जुलाई 2019। इस डेट पे आपको एक नहीं दो नहीं 3 काम करने हैं एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो काम रहेगा वो GST का भी है और इनकम टैक्स का भी है। पहले आपको बताती हूँ इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट काम जो है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, ITR को फाइल करने के लिए लास्ट डेट है 31st जुलाई 2019। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? 2018-19 के लिए। मतलब जो इनकम आपने 1st अप्रैल 2018 टू 31st मार्च 2019 अर्न की है उसकी इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी है 31st जुलाई को या उससे पहले। आप ITR फाइल तो कर पाएंगे 31 जुलाई के बाद भी, पर फिर आपको लेट फीस बियर करनी पड़ेगी। तो पहला काम आपका हो गया इनकम टैक्स रिटर्न का। दूसरा रहेगा GST में GSTR1 अगर आपने ऑप्ट की है क्वार्टरली तो वो आपको फाइल करनी है 31st जुलाई। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गई? क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की मिस्टेक्स है वो भी आप अपनी GSTR1 में रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये आपकी अप्रैल मई जून क्वार्टर की रिटर्न है अगर आपने क्वार्टरली GSTR1 ऑप्ट की है जो आपको 31st जुलाई तक फाइल करनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम, गवर्नमेंट ने आपके लिए ऑप्शन ओपन कर दी है कंपोजिशन स्कीम को अवेल करने की। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाह रहे थे
अभी तक आपके लिए ऑप्शन क्लोज हो गई थी, पर फिर से ये रीओपन हो रही है और इसकी लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई, जिसके लिए आपको फाइल करना है फॉर्म CMP02 जो जल्दी ही पोर्टल पे ओपन हो जाएगा। तो इस डेट को मिस मत करेगा अगर आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ। नेक्स्ट डेट है 21 अगस्त 2019। दिस इज रिलेटेड टू ई वे बिल के लिए इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है कि अगर आप 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स की जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे, चाहे वो GSTR 1 हो, GSTR 3 भी हो या GSTR 4 हो, तो आप ई वे बिल नहीं बना पाएंगे और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 21 अगस्त 2019 से। तो 21 अगस्त से पहले अपनी सारी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर ले अगर किसी भी रीजन से आपकी रिटर्न्स रुकी हुई है। और अगर आपको जीएसटी रिटर्न्स भरने में कोई दिक्कत है तो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है www.legalsahayak.com। आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, पर अपनी रिटर्न्स को मिस मत करिए। आपसे खुद नहीं हो रही तो एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, क्योंकि अगर आप रिटर्न्स को मिस करते हैं आपका ईवे बिल तो ब्लॉक होगा ही 21 अगस्त से, साथ ही आपको हैवी पेनल्टी भी बियर करनी पड़ती है, चाहे आपकी नील की रिटर्न ही क्यों ना हो, रिटर्न पे लगती रहती है लेट फीस पर डे के हिसाब से, मतलब हर एक दिन आपको लेट फी बियर करनी पड़ती है जितना आप लेट करेंगे अपनी रिटर्न को। बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट 5th important due date, which is 31st August 2019, and that is very very important, क्योंकि financial year 17-18 की GST annual return जो है GSTR 9 और GSTR 9A, साथ ही 17-18 का GST audit करना है 31 अगस्त 2019 से पहले। ये डेट एक्सटेंड हुई है और यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन भी थी जीएसटी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट के लिए, लोगों को कंफ्यूजन हो गई थी कि शायद वो अकॉर्डिंग टू टर्नओवर बड़ी है। जी नहीं, सभी के लिए जीएसटी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट को गवर्नमेंट ने कर दिया है 31 अगस्त 2019। तो इस ड्यू डेट को आपको GSTR 9 फाइल करनी है, 9A फाइल करनी है अगर आप कंपोजिट टैक्स पेयर है, साथ ही अगर आप ऑडिट के लिए लाइबल है तो आपको GSTR 9C फाइल करनी है। तो यहाँ पे 5 ड्यू डेट्स पे आपके 9 इंपॉर्टेंट काम आपको करने हैं, और अगर किसी भी काम को आपने मिस किया तो हैवी पेनल्टी के साथ साथ लेट फीस भी एप्लीकेबल होगी। तो मेक श्योर किसी भी काम को मिस ना करें। आई एम होपिंग ये वीडियो आपके लिए रिलीवेंट है, साथ ही अगर आपको लगता है आपके और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए भी रिलीवेंट है तो शेयर जरूर करिएगा उनके साथ, और अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है यू कैन कमेंट and check the video description for all the videos related to GSTR 9, income tax return, GSTR 1, GSTR 3B and other GST and income tax related videos. Thank you for watching everyone. Bye bye. Latest updates ke liye subscribe kare CA Guruji channel ko, bell icon pe click kare sabhi notifications ke liye, aur ye karna bilkul free hai.